प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचकर जापान और भारत की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने काशी की जनता को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने भारत माता की जय और हर हर महादेव बोलते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने काशी के लोगों से भोजपुरी में बात करते हुए कहा, लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधी मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की सराहना करते हुए कहा, बीते कुछ महीने पूरी मानव जाति के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी में माँ गंगा की स्वच्छता और शुद्धता हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए सड़क, सीवेज, पार्क और घाटों के सुंदरीकरण पर काम हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 700 से ज्यादा जगहों पर एडवांस कैमरा लगाने का काम जारी है। शहर में जगह जगह बड़ी बड़ी LED स्क्रीन और घाटों पर लग रहे इन्फॉर्मेशन बॉक्स पर्यटकों की मदद करेंगे। गंगा आरती का प्रसारण पूरे शहर में दिखेगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में किसानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारी खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि आधारित कारोबार से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। हाल ही में इसके लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देश में आधुनिक कृषि के लिए 1,00,000 करोड़ के विशेष फंड का लाभ मंडियों को भी मिलेगा। इससे मंडी आधुनिक बनेंगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी की जनता को समर्पित कर दिया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान की दोस्ती को और मजबूती प्रदान करेगा। पूर्व जापानी पीएम शिंजो आबे ने गंगा की सौगंध लेकर बनारस में अपने मजबूत रिश्तों की सुनहरी इबारत लिखी थी। काशी और जापान की कला संस्कृति का प्रतीक रुद्राक्ष दुनिया के सामने नित नए आयाम गढ़ेगा। 186 करोड़ की लागत से तैयार रुद्राक्ष शिवलिंग के आकार में बनाया गया है। जापानी और भारतीय वास्तु शैलियों का संगम। रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की डिजाइन जापान की कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने तैयार की है। निर्माण का काम भी जापान की ही फुजिता कॉरपोरेशन कंपनी ने किया है। यहां बड़े म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कॉन्फ्रेंस, नाटक हो सकेंगे और प्रदर्शनियां भी लगेंगी। वातानुकूलित सेंटर में एक साथ 1200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, दो भागों में बांटने की सुविधा है। बड़े हॉल के अलावा 150 लोगों की क्षमता वाला एक मीटिंग हॉल, एक VIP रूम, 4 ग्रीन रूम, दिव्यांग जनों की सुविधा की दृष्टि से पूरा परिसर फ्रेंडली। सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्युमिनियम के 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगाए गए हैं। 3 एकड़ में तैयार कन्वेंशन सेंटर परिसर में जापानी शैली का गार्डन व लैंडस्केपिंग है। इसका निर्माण 10 जुलाई 2018 को शुरू हुआ था और मार्च 2021 में ये बनकर तैयार हो गया। सितंबर 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान वाराणसी कन्वेंशन सेंटर का नाम रुद्राक्ष रखा था। उसी दौरान इसके डिजाइन को भी लॉन्च किया गया था। पीएम मोदी ने कहा था, रुद्राक्ष प्रेम का प्रतीक है और मानवता के लिए भगवान शिव का प्रसाद है, इसीलिए इसका नाम रुद्राक्ष रखा गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी के लिए जापान में प्रेम की माला होगी। यह सारनाथ में मौजूद हमारी साझा बौद्ध विरासत के लिए भी एक श्रद्धांजलि होगी।